हाय बच्चा पार्टी, मैं अमन सिंह अपने चैनल इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं सेसफल प्रमेय व गुणनखंड प्रमेय के बारे में। क्या होता है ये, बहुत ज़्यादा बच्चे इसको टिपिकल समझ लेते हैं, बट ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इसको समझने की हम कोशिश करेंगे, चलो देखते हैं। ये अगर आप देखोगे तो ये एक बहुपद है, px एक बहुपद है जो एक घात से ज़्यादा है। देखो ये जो px होना चाहिए वो हमेशा ही या तो एक के बराबर होना चाहिए और या तो एक से बड़ा होना चाहिए, उसका घात है ना। देखो घात इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तीन है, ठीक है। तो आप अगर घात का वीडियो नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख लेना। ये पीछे की चीज़ें हैं, जब तक आप पीछे की चीज़ें नहीं जानते हो, बेसिक नहीं जानते होगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए, तो ये जो बहुपद है वो एक, उसका घात या तो एक के बराबर होना चाहिए या तो एक से बड़ा होना चाहिए, तो ये है, ठीक है। उसको हमको भाग देकर, मतलब कि इस बहुपद से भाग देना है, और ये बहुपद जो होना चाहिए ना वो इसके घात से छोटा होना चाहिए। ये बात आपको याद में रखना है, ठीक है ना। ये बात आप याद में रखोगे तभी काम बनेगा। चलो अब मुझे क्या करना है कि इससे इसको भाग देके और सेसफल मुझे पता करना है। तो मैं क्या, कौन सी विधि अपनाऊंगा, वो सबको पता है कि सर आप तो भाग दोगे पहले, ठीक है, और भाग देके जो है आप पता करोगे कि सर इसका योग सेसफल क्या होगा। तो कर लेते हैं एक बार, मैं बताता हूँ अभी, कुछ देर ठहरो, पहले भाग देना सीखो। देखो एक्स से कितने में मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यू हो जाए, तो सबको पता है कि सर एक्स स्क्वायर में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स क्यू बन जाएगा, और माइनस थ्री में अगर एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये देखो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और थ्री में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब भाग की प्रक्रिया आप लोग आठ में सीखोगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाता है, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर और उसमें एक एक्स स्क्वायर और जोड़ दो, फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये टू एक्स हो गया। अब एक्स में कितने से मल्टीप्लाई करें कि फोर एक्स स्क्वायर हो जाए, तो आप बोलोगे कि सर अगर हम फोर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स में अगर फोर एक्स, तो ये क्या हो गया आपका फोर एक्स स्क्वायर। अब थ्री का अगर फोर में हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ट्वेल्व एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर से फोर एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए बारह एक्स में से अगर दो एक्स घटाएँ तो ये टेन एक्स हो जाएगा, और ये जो प्लस वन है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे उतार देंगे। अब ये बताइए एक्स में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे टेन एक्स आ जाए, तो आप कहोगे कि सर अगर टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स में टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस थ्री को अगर टेन में हम गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थर्टी आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का है तो नीचे साइन बदलता है, माइनस हो जाता है, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए ये प्लस का तीस और प्लस का एक कितना हो जाएगा, इकतीस हो जाएगा। मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया ये सेसफल। तो मैंने इतनी बड़ी प्रक्रिया की तब जाके मेरा जो है सेसफल यहाँ पे मेरा आ पाया, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्स बराबर तीन रख दूँ, मैं अगर एक्स बराबर तीन रख दूँ, मतलब कि एक्स बराबर तीन, मतलब कि इस बहुपद में एक्स बराबर तीन रख दूँ तो मुझे इकतीस मिल जाएगा डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये है ना, तो p और x की जगह पे मुझे क्या रखना है, थ्री रखना है। मतलब कि जहाँ जहाँ x x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, सब जगह तीन रख दूँ तो यहाँ पे तीन का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे तीन का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस दो गुणे तीन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन त्रिका नौ त्रि सत्ताईस, और प्लस ये क्या हो जाएगा, तीन त्रिका नौ और ये दो त्याई छः, और प्लस एक हो जाएगा। अब देखिए सत्ताईस और नौ को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, छत्तीस, और यहाँ पे माइनस छः और प्लस एक हो जाएगा। अब देखो छत्तीस में से छः जाएगा तो तीस और प्लस एक, ये हो गया हमारा इकतीस। तो हमारा जो है सेसफल जो है वो निकल के आ गया क्या, इकतीस निकल के आ गया, है ना। तो अब यही हम लोग को समझना है कि सर ये जो आपने ये जो चीज़ किया है ये बहुत ही इजी है, और यही तो है सेसफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय, इस यही तो है। अब इसको हम समझेंगे एक्चुअल में ये सर कैसे आपने किया, मतलब बिना भाग दिए आपने कैसे ये कर लिया, ठीक है, इसको समझना है ना। तो इसको अब चलते हैं, अब थोड़ा समझते हैं इसको। चलिए अब थोड़ा समझते हैं सेसफल प्रमेय। सेसफल प्रमेय कहता क्या है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस पी ए। अब यहाँ पे ये समझिए, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है ना, इस पॉइंट को। पी एक्स क्या है, आपका भाज्य है। एक्स माइनस ए क्या है, आपका भाजक है।
और ये क्या है जी एक्स आपका भागफल है और पी ए जो है वो क्या है आपका शेषफल है। मैं इसको आपको यहाँ पे थोड़ा लिख के यहाँ पे समझाने की कोशिश आपको करूँगा, ठीक है ना, आप थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पे 5 ले लिया और यहाँ पे मैंने 25 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 25 ले लिया और इसको मैंने 5 से जब गुणा किया तो ये 5 × 5 कितना आ गया भाई मेरे 25, ठीक है। तो ये जो होता है ये मेरा होता है शेषफल, ये तो सबको पता होगा कि ये जो होता है हमारा, ये हमारा होता है शेषफल, ठीक है। अब शेषफल है और ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा है भागफल, ठीक है, ये मेरा है भागफल। और ये जो है ये वाली चीज़ जो है हमारी वो क्या है हमारा, ये है हमारा भाजक। और बीच वाला जो है वो क्या है हमारा, वो है हमारा विभाज्य या भाज्य, ठीक है, ठीक है। अब अगर इस वाली चीज़ को हम लोग अप्लाई करें तो ये भाज्य है, तो भाज्य हमारा क्या है 25 है बराबर, ठीक है। अब x माइनस ए क्या है मेरा भाजक है, तो भाजक यहाँ पे क्या है 5 है और इनटू, ठीक है, अब जी एक्स भागफल, तो भागफल क्या है मेरा 5 है और प्लस शेषफल मेरा क्या है 0 है। तो अगर हम 5 × 5 = 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25 हो गया कि नहीं होगा, 25 हो गया ना, है। तो मतलब कि हमने ये जो चीज़ लिखी है शेषफल प्रमेय से, ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है और ये जो ऊपर वाली चीज़ें लागू होती है ना, ये चीज़ें जो हैं ये आपके मतलब कि बहुपद के लिए जब हम लागू करेंगे तो वहाँ पे होगा। मैंने एक नंबर से आप लोग को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ना आप दिमाग लगा के सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो। अब यहाँ पे है कंडीशन फर्स्ट, यदि पी ए बराबर जीरो, पी ए बराबर जीरो मतलब कि अगर शेषफल जीरो हो जाए, मतलब कि पी ए बराबर जीरो का मतलब क्या हुआ, शेषफल अगर जीरो हो जाए तब समीकरण एक से, अब इसको समीकरण एक माना था तो समीकरण एक में अगर ये पी ए जो है वो जीरो हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा का पूरा ख़त्म, क्योंकि जीरो की वैल्यू होती नहीं है तो ये पूरा जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए और इंटू जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ये क्या प्रूफ होता है, अब यहाँ पे आप देखो, देखिए अब यहाँ पे आप इसी चीज़ को ना यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिएगा, पी एक्स 25 अगर शेषफल जीरो हो गया तो एक्स माइनस ए जो होगा वो इस पी एक्स का एक गुणनफल होगा, कैसे, अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखो आप लोग, 25 जो है वो क्या है आपका पी एक्स है और 5 जो है वो क्या है आपका एक्स माइनस ए है, ठीक है, और इनटू ये जो 5 है वो जी एक्स है और ये तो पी ए है, तो पी ए तो पूरी तरीके से जीरो हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी ए जीरो हो गया, मतलब कि शेषफल अगर जीरो हो गया तो ये जो एक्स माइनस ए होगा वो इस पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। देखो 25 है तो 25 का गुणनखंड 5 है कि नहीं है, 5 है कि नहीं है, समझ रहे हो ना बात को, 5 है। चलो अब उसी चीज़ को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, कंडीशन नंबर सेकेंड, यदि पी एक्स का गुणनखंड एक्स माइनस ए है तो यह पी एक्स को पूरा पूरा विभाजित करेगा और शेषफल पी ए बराबर जीरो होगा। सॉरी यहाँ पे जो है हम लोगों ने थोड़ा सा, हाँ अब समझ में आ रहा होगा, यदि पी एक्स का गुणनखंड एक्स माइनस ए है तो यह पी एक्स को पूरा पूरा विभाजित करेगा और शेषफल पी ए बराबर जीरो होगा। अब यहाँ पे फिर समझो बापू, ठीक है, अगर 5 जो है इसका गुणनखंड है, 25 का गुणनखंड 5 होगा कि नहीं होगा, गुणनखंड का मतलब फैक्टर, अगर 25 का गुणनखंड 5 है तो 5 इसको पूरी तरीके से विभाजित करेगा। एक और इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है, देखो अगर 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5, यही तो होगा ना इसका गुणनखंड, तो हम या तो 4 से इसको भाग दें 20 को तब भी पूरा पूरा काटेगा, मतलब शेषफल जीरो आएगा, या फिर हम 5 से इसको काटें तब भी शेषफल पूरी तरीके से जीरो आएगा। करके देख लो, 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं 20 तो 4 × 5 = 20 क्या हुआ, जीरो आया शेषफल, जीरो आया शेषफल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों पॉइंटों को अगर हम समझें तो अगर हमारा शेषफल जीरो होता है, अगर हमारा शेषफल जीरो हो जाता है,
किसी भी, अगर मान लो किसी भी संख्या से भाग देते हैं और हमारा शेषफल जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x माइनस a होगा वो इस px का एक गुणनखंड होगा। और अगर x माइनस a इस px का एक गुणनखंड होगा तो शेषफल जो हुआ आएगा वो हमेशा ही जीरो आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। मैं जानता हूँ कि आपको अभी ये पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप इसको बस थोड़ा सा कोशिश करो, अभी जब हम सवाल लगाएंगे ना तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा फोकस करो बाबू, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप देखोगे ना आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी बात कि कैसे सर क्या क्या बोल रहे थे। देखो शेषफल ज्ञात करने की विधि, देखो करते क्या हैं, यदि किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग किया जाए तो px में x माइनस a बराबर जीरो अर्थात x बराबर माइनस a रखने पर शेषफल जो है माइनस a नहीं सॉरी प्लस a रखने पर शेषफल प्राप्त हो जाएगा। अब देखो x माइनस a बराबर जीरो और ये माइनस a अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x की जगह पे अगर a को रख देंगे ना तो हमको शेषफल मिल जाएगा डायरेक्ट, बिना भाग दिए हमको मिल जाएगा। देखो यदि किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग किया जाए तो px में, या फिर अगर x प्लस a बराबर जीरो दिया होगा तो या a उधर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, रखने पर शेषफल जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। देखो यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है px बराबर इतना, देखो ये px है, एक बहुपद है ये, ठीक। अब उसको किससे भाग देना है, x माइनस a से भाग देना है, और इसने क्या कहा, x माइनस टू से भाग देना है, ठीक है ना, x माइनस टू से तुमको भाग देना है, और भाग देने पर प्राप्त शेषफल को शेषफल प्रमेय की सहायता से तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक है। अब शेषफल प्रमेय की सहायता से हमें क्या करना है, इस चीज़ को ज्ञात करना है, ठीक है। तो x माइनस टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला चीज़ हम लगाते हैं तो x माइनस टू बराबर क्या होगा बेटा, ज़ीरो, यही हुआ ना, x माइनस टू बराबर जीरो। हम ये मान लेते हैं कि x माइनस a जो है वो क्या बोलते हैं, इसका एक गुणनखंड है तो वो जीरो के बराबर होगा, तो x माइनस टू बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस टू उधर गया तो टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करें कि p2, मतलब कि इस पूरे बहुपद में x को 2 से रिप्लेस कर दें, यहाँ पे 2 आया है ना तो x की जगह पे 2 से तुम क्या करो, रिप्लेस कर दो, x की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 कर दो प्लस 2, और यहाँ पे x की पावर 3 और माइनस 3, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये 2 पे घात 4 है तो इसको क्या ले सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और प्लस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर माइनस 3 और इंटू 2 गुणे 2 और 2 में से 1 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 हो जाएगा, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 हो जाएगा, 3 दुना 6 दुना 12 हो जाएगा और प्लस 1 हो गया। अब देखो 16 और 16 जोड़ दो 32, ठीक है, माइनस 12 और प्लस 1, 32 में से 12 अगर घटा दिया तो कितना आएगा जी, 20 और प्लस 1 मतलब क्या हुआ, 21। तो हमारा जो शेषफल होगा वो इस बहुपद को अगर x माइनस 2 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल जो है वो कितना आ गया, 21 आ गया, सॉरी चलो 21 आ गया आई थिंक, ठीक है, देखो 21 आ गया। तो ये हमारा है ना शेषफल निकालने की विधि, शेषफल प्रमेय की सहायता से, जिससे हमें भाग देने को कहता है उसको हम जीरो के बराबर मान लेंगे और फिर इस माइनस टू को जब उधर भेजेंगे तो एक्स बराबर टू हो जाएगा और इसी टू को हम इस बहुपद में एक्स की जगह पर रख के रिप्लेस कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वही हमारा जो है शेषफल होगा। और यही है शेषफल प्रमेय, इसी को हमें समझना है। अब चलते हैं अभ्यास की तरफ, अभ्यास जब लगाएंगे तो और ज़्यादा आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब ये है ना अभ्यास 2G का क्वेश्चन, अब इसको ध्यान से समझो, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं जानता हूँ कि स्टार्टिंग में तुम्हें बोर हुए होगे आप लोग, लेकिन यहाँ पे आप समझोगे समझ में आ जाएगा। देखो यदि px एक बहुपद है और उस बहुपद का शेषफल हमें ज्ञात करना है बिना भाग विधि के, शेषफल प्रमेय से भी कर सकते हैं,
जबकि पी एक्स को निम्नलिखित के द्वारा भाग किया गया है। देखो एक बार एक्स माइनस वन से भाग करेंगे, एक बार एक्स माइनस टू से, फिर एक्स प्लस वन से, एक्स माइनस फोर से, तो हर एक से भाग देने पे इस बहुपद का शेषफल हमें क्या मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज कि एक्स माइनस वन जो है उसको हम मान लेते हैं कि ये जीरो के बराबर है, और यहाँ से एक्स बराबर जो है माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस का वन हो जाएगा, मतलब एक्स बराबर वन, मतलब कि ये जो बहुपद है हमारा पी एक्स बराबर फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर, इसमें हम x को रिप्लेस कर देंगे वन से, और जब वन से रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो है जो भी बस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ना वन रख दो, ठीक है। चलो वन का क्यूब करोगे तो वन ही होगा, और चार का एक में गुणा करोगे तो चार ही हो जाएगा, माइनस एक का स्क्वायर एक ही होगा, तीन का एक में गुणा करोगे तो तीन हो जाएगा, प्लस दो एक अन्य दो हो जाएगा, और माइनस चार, ये प्लस का चार ये माइनस का चार कट गया। अब माइनस तीन में से अगर दो घटाओगे तो माइनस वन हो जाएगा, और यही हमारा शेषफल हो जाएगा। क्या है बताओ, इसमें कुछ है? कुछ नहीं है, ठीक है। अब यही चीज़ जो है ना x माइनस टू से भाग देने पे क्या होगा, तो हम क्या करेंगे x माइनस टू बराबर जीरो मान लेंगे, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा टू उधर जाएगा तो प्लस का टू हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसी बहुपद में, यहाँ पे देखो ये बहुपद मैं बार बार नहीं लिखूँगा, इसी बहुपद पे सारी चीज़ें लागू होंगी, ठीक है ना। तो इसी बहुपद पे हमें इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो P, अब यहाँ पे X की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब देखो यहाँ पे 4 और X की जगह रखेंगे 2 का क्यूब माइनस 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और माइनस का 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 और गुणे 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 8 लिख दो, माइनस 3 और 2 दुने का 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4 और माइनस 4, तो प्लस का और माइनस का कट गया। यहाँ पे 4 बटे कितना हो जाएगा 32, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 तीन 12, और जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। कितना ईजी है। अब देखो ये x प्लस वन से अब भाग देना है, तो हम x प्लस वन को हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर मान लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस वन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी बहुपद में हम क्या करेंगे, एक रख देंगे, ठीक है, एक नहीं माइनस एक रखेंगे, p माइनस वन रखेंगे, ठीक है, p माइनस वन रखेंगे। अब यहाँ पे देखो p माइनस वन, तो यहाँ पे चार और x की जगह पे क्या है माइनस वन का क्यूब, फिर उसके बाद क्या होगा माइनस थ्री। अब देखो उसी बहुपद में रखना है, ये बात याद रखो, उसी बहुपद में रखना है, प्लस टू और x की जगह पे माइनस वन और माइनस का फोर हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे बाबू ना थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं क्या ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, तीन बार घात है तो तीन बार लिखते हैं। अब देखो माइनस वन का जब गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस का वन बन जाएगा इंटू माइनस वन, अब जब प्लस का माइनस में गुणा करोगे तो माइनस वन। यही मैं आप लोग को समझाना चाहता था कि माइनस वन का अगर हम क्यूब करेंगे तो उसको माइनस वन आता है गुणा, ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, अब देखिए ये माइनस वन का स्क्वायर है ना, माइनस वन का स्क्वायर है ना, तो माइनस वन को अगर हम माइनस वन में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का वन आएगा इसका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीन गुड़े प्लस का वन लिखेंगे। अब देखिए ये प्लस और ये ये माइनस और ये प्लस गुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस दो, और ये माइनस का चार। अब देखो मैं एक बड़ा अच्छा सा आइडिया बताता हूँ, ये ध्यान देना कि अगर माइनस वन है और उस पर घात पाँच है, और ये पाँच कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या है, और अगर जब भी माइनस वाली संख्या होगी कोई भी और उस पर विषम संख्या होगी तो उसका हम जब गुणा करेंगे ना, गुणनखंड जब हम करेंगे ना, गुणा करेंगे ना, तो वो हमेशा ही माइनस में वो नंबर मिलेगा। और अगर यही माइनस वन पे घात दो हो जाए या फिर चार हो जाए, छः हो जाए, आठ हो जाए, तो ये सारी की सारी संख्याएँ जो हैं वो क्या हैं, सम हैं। और जब भी हम इसका जब घात को खोल के लिखेंगे तो ये हमेशा ही पॉजिटिव में आएगा, ये बात याद रखो।
जब घात विषम होता है तो निगेटिव नंबर आएगा गुणा करने पे, और जब घात सम होता है तो पॉजिटिव नंबर आएगा गुणा करने पे। ये बात आप याद रखो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि आपने देखो यहाँ पे माइनस वन है ना, उसके ऊपर क्यूब है, और ये चीज़ ना बस माइनस जब रहेगा अंदर ना, और उस पर जब घात होगा ना तब ये चीज़ लागू करना। अगर वन है तो वन का क्यूब है, प्लस का वन है, वन का क्यूब होगा तो वन ही होगा, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस चार माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस तीन, और माइनस दो और माइनस चार जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस छः हो जाएगा। माइनस चार में माइनस, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, माइनस चार कर सकते हो, माइनस तीन में माइनस छः करोगे तो माइनस नाइन हो जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तेरह हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। माइनस तेरह आ गया, सिंपल निकल गया। अब हम लोग ना एक्स माइनस फोर वाला करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कर मिटा देते हैं और फिर इसके बाद से एक्स माइनस फोर वाला करते हैं। आप लोग बस बने रहो बाबू, ठीक है ना, बने रहो। देखो तुमको इतना मज़ेदार में मैं सिखा दूंगा। ये देखो एक्स माइनस फोर है, तो एक्स माइनस फोर बराबर हम जीरो ले लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर, अब माइनस फोर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का फोर हो जाएगा। अब ये जो बहुपद है, मैं बहुपद को फिर से लिख लेता हूँ। ये बहुपद क्या है, पी एक्स बराबर फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर। अब जहाँ जहाँ x है, मैं x की जब क्या रखूँगा, फोर रखूँगा, तो फोर और यहाँ पे फोर का क्यूब हो जाएगा माइनस थ्री, यहाँ पे फोर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे टू इंटू फोर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे फोर हो गया, ठीक है। अब देखो फोर और इंटू ये चार का क्यूब, तो चार का क्यूब मैं डायरेक्ट डाल, चार का क्यूब का मतलब क्या है, चार गुड़े चार गुड़े चार, ये कितना होगा, चौंसठ होगा, चार चौक सोलह चौके चौंसठ, तो यहाँ पे चौंसठ डाल दिया। माइनस तीन और गुड़े चार का स्क्वायर करेंगे तो सोलह। इस बार ये मत सोचना कि सर यहाँ पे माइनस प्लस नहीं देखना, जब यहाँ पे माइनस होगा ना और उस पर घात जब सम विषम होगा तब वहाँ पे देखते हैं, यहाँ तो प्लस है तो प्लस का कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहाँ पे दो चौका आठ और माइनस का चार, ठीक है। अब ये चौंसठ, ये कितना हो जाएगा आपका, चौंसठ में चार का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, दो सौ छप्पन हो जाएगा, ठीक है ना, दो सौ छप्पन। और माइनस सोलह में तीन का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अड़तालीस। और प्लस आठ में से चार घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक है। तो दो सौ छप्पन और अड़तालीस में से अगर हम चार घटाएँगे तो जो नंबर बड़ा होता है, माइनस का बड़ा है, घटाएँगे लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। अड़तालीस में से चार जाएगा तो कितना हो जाएगा, बयालीस। और जब दो सौ छप्पन में से बयालीस घटाएँगे तो कितना आ जाएगा हमारा, दो सौ छप्पन में से अगर हम बयालीस घटाते हैं ना, सॉरी अड़तालीस में से चार घटेगा तो बयालीस कैसे आएगा, चौवालीस आएगा ना। हाँ ध्यान दो, दो सौ छप्पन में से चौवालीस गया तो दो सौ बारह आ गया हमारा, ये सेसफल होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, और जो है दो सवाल है, पहले में दो और दिया हुआ है तो उसको करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए एक्स प्लस टू है और यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई टू है, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, एक्स प्लस टू को जीरो के बराबर मानना है, जहाँ से एक्स बराबर क्या बन जाएगा, टू इधर जाएगा तो माइनस का टू बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो बहुपद है, बहुपद को हमको लिख लेना है, यही बहुपद हमको लेना है क्योंकि इसी बहुपद से भाग देना है, बोला है कि इसी बहुपद को निम्नलिखित से भाग देना है। तो चार तो हम लोग कर चुके हैं, दो और बचा है उसको हम लोग कर रहे हैं, प्लस टू एक्स और माइनस फोर। अब यहाँ पे चार और एक्स की जगह पे हमने क्या रखना है, माइनस टू का क्यूब माइनस थ्री और एक्स की जगह पे दो का स्क्वायर और प्लस टू और इंटू माइनस टू, सॉरी यहाँ पे माइनस रखना है ना। देखो यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखना है, यहाँ पे आप लोग लिख दोगे पी माइनस टू, क्योंकि हम एक्स की जगह क्या रख रहे हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग माइनस रख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, फिर फोकस करो, यहाँ पे माइनस टू है और उसका क्यूब है, तो पहले तो दो का क्यूब कितना होता है बाबू, दो का क्यूब होता है मेरा आठ, लेकिन विषम है तो इसलिए ये माइनस में हमेशा ही आएगा गुणा करने पे। याद रखो जो मैं अभी बात कुछ देर पहले बताया था, माइनस टू उस पर सम है तो दो दुना चार, तो ये तो प्लस का चार आएगा क्योंकि घात जो है वो क्या है, सम है। ये माइनस और ये प्लस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दो दुने का चार और ये माइनस का चार हो गया, ठीक है। अब देखो चार बटे कितना हो जाएगा, ये चार वट्ठे जो है ये बत्तीस हो जाएगा, माइनस का बत्तीस होगा, देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस बत्तीस, ठीक है ना। माइनस ये तीन चौका कितना हो जाएगा, बारह, और ये माइनस चार और माइनस चार मिलकर कितना हो जाएगा, ये माइनस का आठ हो जाएगा। माइनस चार और माइनस मिलकर माइनस आठ, तीन चौका बारह हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस बत्तीस में माइनस बारह अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस चौवालीस आएगा, और माइनस फिर
ये दोनों जोड़ दिया माइनस 44 माइनस 8, तो माइनस 44 में माइनस 8 अगर हम जोड़ेंगे तो 42 आएगा। ये जोड़ने की बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, ये बात याद रखो। 44 रुपये किसी से उधार लिए और फिर 8 रुपये कहीं और उधार लगा दिया तो 44 8 52 रुपये तो हो गए लेकिन माइनस में हो गए। दैट सिंपल है ना, आसान है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देखो, इसको थोड़ा करते हैं x प्लस 1/2, ये हाफ वाला है बटे में है, तो कई लोग सोचेंगे सर इसको कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको भी वही करेंगे, हम क्या करेंगे x प्लस 1/2 बराबर हम क्या करेंगे जीरो मान लेंगे, ठीक है। हम इसको जीरो मान लेते हैं और x बराबर ये 1/2 जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। मतलब कि जो मेरा बहुपद है, और बहुपद को मैं पहले लिख लेता हूँ, मेरा बहुपद क्या है 4x³ और माइनस 3x² प्लस 2x और माइनस 4 है, तो मुझे x की जगह पे क्या रखना है माइनस 1/2 रखना है। कितना रखना है माइनस 1/2 रखना है। माइनस 1/2 वाला मैंने आप लोग को समझा दिया है कि जब भी माइनस 1/2 और उस पर घात होगा ना, तो घात के हिसाब से हम उसको आराम से कर सकते हैं, 10 बार हमको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 1/2 और ये माइनस 4 बच रहा है, तो मैं जो है यहाँ पे आप लोग को माइनस 4 जो है लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 और गुणे, अब देखो यहाँ पे 2 है ना, 1/2 है, तो 1 का क्यूब करोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 1 ही होगा। 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा, लेकिन एक बात याद रखना है माइनस है और घात विषम है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 3, ठीक है, और इनटू, अब यहाँ पे घात जो है वो सम है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, दैट सिंपल। अब देखो ये माइनस और ये प्लस मिल के माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 2 से 2 हम काट देंगे तो बचा गया यहाँ पे 1 बचा, और ये माइनस का 4 जो है वो पहले से ही बचा रखा था, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो 4 × 8, मतलब यहाँ पे क्या बचा माइनस 1/2, देखो माइनस 1 ऊपर बचा और नीचे 2 बचा, ये तो दोनों कट गए, 2 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस, अब ये 3 का 1 में गुणा करोगे तो 3/4, ठीक है। मैं इसको 2 को यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका माइनस 3/4, और माइनस 1 और माइनस 4 मिलकर कितना हो जाएगा माइनस 5 बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको सबको पता ही होगा, एलसीएम एलसीएम करने आता होगा आप लोग को, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 है तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 2 और 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 2 और 4 का एलसीएम जो होगा 4 और 1 का 4 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से 4 कितनी बार में जाता है, देखो एलसीएम सिखा रहा हूँ, 2 से 4 दो बार में, 2 का ऊपर गुणा कर दोगे 1 में तो माइनस 2, 4 और 4 को 1 बार जाएगा तो 1 जो है 1 का गुणा होगा 3 में तो माइनस 3, ये माइनस याद रखना, और ये माइनस 1 को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, और 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है ना, 20 आएगा ना। चलो अब देखो माइनस 3 और माइनस 2 जुड़ेगा तो माइनस 5, और माइनस 5 में माइनस 20 जुड़ेगा तो माइनस का 25 आएगा, मैं अभी कुछ देर पहले बताया था, तो इसका शेषफल कितना आ गया माइनस 25/4 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देख लो खुद कि माइनस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, मतलब मेरे पास 2 रुपये मैंने किसी से उधार लिए, फिर 3 रुपये किसी उधार लिए, 5 रुपये फिर 20 रुपये किसी उधार लिया, तो 25 रुपये तो मैंने ले लिए, मेरे पास हो गए, लेकिन मैं कर्जे में हूँ माइनस 25/4। कितना आसान तरीका है समझने का, अगर आपको जोड़ने घटाने नहीं आता है तो। चलिए 16 सवाल हैं, 8 सवाल करूंगा इसमें क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा हो रहा है, तो और जल्दी फटाक से करते हैं आगे के सवाल। अगला सवाल देखते हैं, x³ - ax² + a को अगर x - a से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। सिंपल है, x - a से भाग देना है तो हम x - a को 0 के बराबर मान लेंगे, और यहाँ से x जो होगा वो माइनस a जो होगा वो क्या हो जाएगा a के बराबर आ जाएगा। देखिए माइनस a उधर चला जाएगा, x बराबर a हो गया। अब हमारा जो ये बहुपद है px = x³ - ax² + a हो गया। अब हमें x की जगह पे क्या रखना है, a को पुट करना है, मतलब p और x की जगह पे क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a पुट कर दो। अब x की जगह पे यहाँ पे a पुट करेंगे तो a का क्यूब माइनस यहाँ पे a होगा ना। अब x की जगह पे क्या पुट करना है मुझे, a का स्क्वायर मुझे पुट करना है, और प्लस में ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो गया प्लस में
ए हो गया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आगे जो है क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं फिर, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ए की जगह पे तो ए है, तो ए का क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर है और ए का गुणा करोगे तो आप कितना हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा, ठीक है ना, ए बचेगा। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस का और ये जो है माइनस का ए क्यूब हो गया, ठीक है। तो जब ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो इसका मतलब कि जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा इसका शेषफल, ए आएगा, बस हो गया काम खत्म, आगे बढ़ते हैं आप। चलो बच्चा बाटी आगे बढ़ते हैं, सिद्ध करो कि x माइनस थ्री व्यंजक एक्स क्यू माइनस 12x प्लस 9 का एक गुणनखंड है। अब थोड़ा फोकस करो इस पे, यहाँ पे ये कह रहा है कि मुझे ये दिखाना है कि ये जो बहुपद है, इस बहुपद का है ना, ये एक गुणनखंड है। और ये मैंने अभी स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट वीडियो बताया था उसमें ये समझाया था आप लोग को कि अगर कोई भी नंबर अगर दूसरे नंबर का गुणनखंड होगा तो उसका शेषफल जीरो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ अपना जो बहुपद है मेरा, बहुपद को मैं लिख लेता हूँ एक्स क्यू माइनस 12x और प्लस 9, ठीक है, हो गया ना ये 9 हमारा। चलिए अब अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि एक्स माइनस थ्री अगर इस पी एक्स का मतलब क्या है, ये बहुपद का अगर गुणनखंड होगा, का गुणनखंड होगा, तब एक्स माइनस थ्री बराबर क्या होगा, जीरो होगा। सिंपल सी बात है कि एक्स माइनस थ्री बराबर क्या होगा, जीरो होगा, और इसके अकॉर्डिंग एक्स बराबर क्या होगा, 3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्स की जगह पे 3 रखें और इसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाए 3 रखने पे, तो ये गुणनखंड है, सिद्ध हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर नहीं, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि ये उसका गुणनखंड नहीं होगा। क्या समझा, फिर से समझा देता हूँ। पूछ रहा है कि सिद्ध करो कि ये x माइनस थ्री जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है। और अगर मैंने ये बताया था कॉन्सेप्ट वीडियो में कि अगर किसी भी बहुपद का अगर ये गुणनखंड होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो के बराबर होगा, मतलब कि शेषफल जीरो आएगा। तो मैंने अगर पी एक्स का गुणनखंड होगा तब मैंने क्या किया कि एक्स माइनस थ्री को जीरो के बराबर मान लिया और एक्स बराबर माइनस थ्री उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्स की जगह पे, मतलब कि एक्स की वैल्यू 3 अगर इस बहुपद में रख दूं और अगर जीरो आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। सिंपल सी बात है, चलो ना रख के देख लेते हैं क्यों इतना हम बहस कर रहे हैं। P3, अब देखो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 का क्यूब माइनस 12 और इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, 3, और ये हो जाएगा प्लस 9, ठीक है। अब देखो ये 3 का क्यूब है, मतलब 3 × 9 = 27 और माइनस ये 12 क्या हो जाएगा, 36, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 9, ठीक है। अब देखो 27 में से अगर 36 को घटाएंगे, देखो जो बड़ा होता है, 36 बड़ा है उसका साइन हम लगाते हैं लेकिन घटाते हैं, तो 27 में से 36 अगर घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 9 और प्लस 9 क्या होगा बेटा, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस थ्री एक्स क्यू माइनस 12x प्लस 9 का एक गुणनखंड है। अगर जीरो नहीं आता तो वो गुणनखंड नहीं होता, लेकिन जीरो आ गया इसका मतलब कि ये एक गुणनखंड है, दैट्स इट। बस बाबू समझते चलो, मज़ा आने वाला है बिड़ू। देखो अब अगला सवाल है चौथा सवाल। अब चौथा सवाल आप लोगों को पता है कि धर्मेंद्र बिश्नोई जी जब बुक में धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो वहाँ से थोड़ा टिपिकल करते जाते हैं, थोड़ा टफ लेवल करते जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ हुआ है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा टफ। कह रहा है कि एक व्यंजक दिया हुआ है या एक बहुपद दिया हुआ है जिसको 2x प्लस 1 से भाग देने पे क्या शेषफल होगा। तो इस व्यंजक जो है px बराबर 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 7 है। अब ये 2x प्लस 1 से मुझे भाग देना है, अगर मुझे भाग देना है तो 2x प्लस 1 को मैं 0 के बराबर मान लूँगा।
तो 2x बराबर प्लस वन जब उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, इसका मतलब कि x बराबर माइनस वन और 2 जब उधर जाएगा तो 1/2, मतलब कि मुझे x की जगह पे माइनस 1/2 रखना है। तो इस बहुपद को मैं क्या करूँगा, x की जगह पर माइनस 1/2 से रिप्लेस करने की कोशिश करूँगा, 4 इंटू x की जगह पर मुझे क्या रखना है, माइनस 1/2 का होल क्यूब प्लस 8 एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है, माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू मुझे क्या रखना है एक्स की जगह पे 1/2, यहीं पे रख रहा हूँ, देखो बाबू एक्स की जगह पे रख दिया, एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया, एक्स क्यू की जगह पे रख दिया, और ये हो गया मेरा माइनस 7 हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 4 और इंटू, अब देखो यहाँ पे 1/2 माइनस है और उस पर घात 3 है, तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताइए कि माइनस आएगा गुणा करेंगे, तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा, प्लस अब यहाँ पे देखो 8 और इंटू यहाँ पे माइनस 1/2 पे स्क्वायर जो है वो सम का है, तो इसका मतलब प्लस आएगा गुणा करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कोई घात ही नहीं है, एक घात होता है तो एक घात लिखा तो जाता नहीं है, एक घात, एक क्या है, विषम है, तो इसका मतलब माइनस ही रहेगा। ठीक है ना, अब इस माइनस का गुणा इस माइनस में करोगे तो प्लस और 4 इंटू 1/2 और माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको कट कर दो, दो बार में कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस 1/2 बचेगा, इसको 4 से कट कर दो, दो बार में 2 का 1 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से इसको कट कर दो, 2 का 1 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और माइनस का ये हो गया मेरा 7। ठीक है ना, चलो इसी के आगे जो है मैं लिख देता हूँ, अब देखो 2 ये माइनस 1/2, ये 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4, और 4 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो ये दोनों मिलकर क्या होगा, ये 4 मिल 4 हो गया, और 4 में से अगर 7 घटाएंगे तो 7 बड़ा है, साइन इसका बड़ा है तो साइन लगा दो, और 4 में 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल है समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 आया तो 3 इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, एक बार में जाएगा, 1 का ऊपर घटा करोगे माइनस 1, और माइनस 1 का 2 में घटा कर 2 का ऊपर करोगे 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 6 में माइनस 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस 7/2, तो इसका जो शेषफल आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस 7/2 जो है हमारा आ जाएगा 2 आ गया। ठीक है ना, माइनस 7/2, क्लियर है, तो बहुत आसान है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चा पार्टी अब इसको देखते हैं, पी एक्स एक बहुपद है, उसको क्यू एक्स टू एक्स माइनस वन से भाग देने पर शेषफल प्राप्त शेषफल को शेषफल प्रमेय की सहायता से निकालना है। तो सबसे पहले हम जो है इस बहुपद को लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2x³ माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, इतना हो गया, अब क्या करना है, किससे भाग देना है, 2x माइनस 1 से भाग देना है, तो जिससे भाग देना होता है उसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 उधर जाएगा तो 1/2, इसका मतलब कि हम x को रिप्लेस कर सकते हैं 1/2 से, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1/2 रख देंगे, x का क्यूब है तो 1/2 रख दिया, 3 x का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर रख दिया, माइनस 2 और इंटू x की जगह पे 1/2 और प्लस का 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 1 का क्यूब करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 से 2 काट दो तो ये माइनस 1 और प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 चौक का 8 कर लो तो ये कितना बचेगा, 1/4, और माइनस यहाँ पे 3 का 1 में गुणा कर दो तो यहाँ पे 3/4, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब जब हर बराबर होते हैं, जब हर बराबर होते हैं तो डायरेक्ट जो है ऊपर की संख्या को जोड़ या घटा देते हैं, तो एक में से अगर 3 घटाओगे, 1 रुपये तुम्हारे पास था और 3 रुपये का सामान लिया तो 2 रुपये माइनस में चले गए, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, -1/2, मतलब कि शेषफल प्रमेय की सहायता से इसका जो शेषफल आएगा वो -1/2 आएगा। और चलते हैं फटाक से आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं, निम्न बहुपद युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात करो कि क्या QX PX का एक गुणनखंड है, मतलब ये हुआ कि क्या QX मतलब X माइनस 2 से भाग देने पर, X माइनस 2 से इस बहुपद को भाग देने पर क्या
इसका शेषफल 0 आएगा? अगर आएगा 0 तो गुणनखंड होगा, अगर नहीं 0 आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने इसीलिए बताया था। चलिए तो एक बार चेक कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ये बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x और माइनस 4, ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो अगर ये उसका गुणनखंड होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 बराबर 0 होना चाहिए और x बराबर 2 होना चाहिए। और अगर हमें ये पता है कि x माइनस 2 अगर px का गुणनखंड होगा, px का अगर गुणनखंड है, अगर ऐसा है ना, तो शेषफल शून्य आना चाहिए, शेषफल शून्य होगा, और अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। देख लेते हैं, मतलब कि इस बहुपद में हम x की जगह पे 2 रख के देख लेते हैं भाई। चलो तो यहाँ पे x का क्यूब है तो 2 का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे 2 माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे 2 का अगर क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, माइनस 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 दुना 8 और माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे 8 और माइनस 3 चौक का 12, और 8 में से अगर देखो प्लस का 8 और माइनस 4 घटेगा तो माइनस 4 हो जाएगा। अगर 8 में से 12 अगर हम घटाएँ, 8 में से अगर हम 12 को घटाएँगे तो यहाँ पे ये यहाँ पे गलत हो जाता था। 8 में से अगर 4 घटाएंगे तो प्लस का 4 होगा, क्यों? क्योंकि 8 का साइन बड़ा है प्लस, और 8 में 4 गया 4। अब 8 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 4 होगा, क्यों होगा? क्योंकि 12 का साइन बड़ा है माइनस, और माइनस 4 और प्लस 4 जो होता है वो कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो इसका एक गुणनखंड है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसी में है और चेक करना है कि क्या ये QX XPX का गुणनखंड है, और अगर गुणनखंड होगा तो X प्लस 1 बराबर 0 और X बराबर माइनस 1, और अगर ये अगर X प्लस 1 PX का अगर एक गुणनखंड है, अगर एक गुणनखंड है तब शेषफल शून्य होगा, और अगर शून्य नहीं होगा तो ख़त्म। चलो देख लेते हैं, पी एक्स की जगह पे क्या रखना है मुझे? माइनस का 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, इसी में रखना है तो 2 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 1 का क्यूब रखेंगे प्लस 4 एक्स की जगह पे माइनस 1 रखेंगे और प्लस का 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू, अब यहाँ पे मैंने बताया माइनस 1 है, घात विषम है तो यहाँ पे माइनस 1 ही होगा प्लस, अब ये माइनस और प्लस मिल के ये क्या बना लेंगे? माइनस 4 और ये प्लस 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस और प्लस, तो यहाँ पे माइनस 2 और माइनस 4 और प्लस 6, माइनस 2 में माइनस 4 अगर ऐड करते हैं तो माइनस 6 प्लस 6, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। मतलब कि जब 0 आया तो इससे जो है प्रूफ हो गया कि x प्लस 1 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। बस अब आगे जो है ना, मैं इसमें 2 और सवाल बताऊंगा, बाकी के सवाल आप खुद से करोगे इसमें का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मुझे ये जो है ना, इसमें सबसे थोड़ा तगड़ा लगा आप लोगों को बताने के लिए, तो मैं इसको बता देता हूँ कि क्या QX SPX का एक गुणनखंड है, और अगर है तो हम सबसे पहले, हमारी बारी है कि X प्लस 1 बाई 2 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, और इसका मतलब ये हुआ कि X बराबर माइनस 1 बाई 2 होगा। और अगर ये जो बहुपद है x प्लस 1 बाई 2, इस पी एक्स का गुणनखंड तभी होगा का गुणनखंड होगा जब शेषफल शून्य के बराबर होगा, तभी ये इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। चलो तो हम x की जगह पे क्या करेंगे, हम x की जगह पर रखेंगे माइनस 1 बाई 2।
थोड़ा ये लंबा जाएगा क्योंकि बड़ा है, देखो x टू द पावर 5 है तो उसकी जगह पे हम रखेंगे माइनस 1/2 का 5। जो मैंने अभी ट्रिक बताया था ना, उस ट्रिक को अगर आप फोकस करोगे ना तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। माइनस 1/2 पे पावर 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस 1/2 पे पावर क्यूब हो गया। अब इसमें रखेंगे माइनस, तो माइनस 1/2 का पावर क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। माइनस एक्स की जब क्या रखेंगे, माइनस 1/2, और ये हो गया मेरा माइनस 1। मैंने बताया था कुछ पहले कि अगर अंदर माइनस है उस पर घात विषम है तो वो सिंपल सी बात है कि उसका जो आएगा वो माइनस में ही आंसर आएगा। अब देखो, एक पे घात 5 करो, 1000 करो, उसकी वैल्यू एक ही आती है, लेकिन 2 पे घात अगर 5 है तो 2 पे घात 5 का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, मतलब माइनस 1/32 आएगा, ठीक है। अब देखो माइनस, अब देखो ये माइनस है, अब यहाँ पे घात क्या है, यहाँ पे घात हमारा क्या है, यहाँ पे सम है, और सम है तो मतलब इसको गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, तो प्लस आएगा, तो बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब 1 × 4 है तो 1 ही होगा, और 2 × 4 का मतलब क्या हुआ, देखो 2 × 4 का मतलब 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16 हो जाएगा, ये 1/16 हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये प्लस है, अब यहाँ पे देखोगे अगर तो यहाँ पे माइनस है और ऊपर जो घात है ये विषम है, तो इसका मतलब कि जब हम इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 1 का क्यूब करोगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का क्यूब करेगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस, अब यहाँ पे सम है, और माइनस 1/2 को अगर हम गुणा करेंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, ये 1/2 और माइनस, ये तो माइनस 1 है ही, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 16, 32, 8, 4, 2 और इस एक के नीचे हम एक मान सकते हैं, मतलब कि ये देखो 2, 4, 8, 16, 32 का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 2, 4 है ना, 8, 16, 32 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 2 × 16 = 32, ठीक है। इनका जाओ 2 × 2 है ना, यहाँ पे 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, और फिर यहाँ पे 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 2 हो गया 2 × 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 16 × 2 = 32, मतलब कि इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है। 32 को 32 में भाग दोगे एक बार में जाएगा, और 1 का 1 में गुणा करोगे तो माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 16 को 32 में भाग दोगे दो बार, और 2 का 1 में गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा। माइनस 4 बार में जाएगा, 4 का ऊपर 1 में गुणा करोगे 4 हो जाएगा। माइनस 4 को भाग दोगे तो 8 बार में जाएगा, 8 का ऊपर गुणा होगा तो 1 में तो 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और प्लस 2 का 32 में करोगे तो 16, और 16 का 1 में गुणा किया तो 16 हो जाएगा। माइनस 1 को 32 32 और 32 का 1 में गुणा किया तो 32 हो गया, ठीक है। चलो अब सबको हम जोड़ लेते हैं, माइनस 1 में माइनस 2 जोड़ोगे तो माइनस 3, और माइनस 3 में माइनस 4 जोड़ोगे तो माइनस 7, और माइनस 7 में माइनस 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे माइनस 32 है और 16 इसमें से घटाना है, तो जो ये संख्या बड़ा है उसका साइन पहले लगा लेते हैं। 32 में से 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 16, और यहाँ पे बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बटा 32। अब माइनस 15 में से माइनस 16 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 31, और ये हो जाएगा बटा 32। तो ये जो है ना, ये इसका गुणनखंड जो है वो नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिए कि इसका जो ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड नहीं होगा, मतलब x प्लस 1/2 इसका गुणनखंड नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं आया है, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, चलो बच्चा पार्टी एक और सवाल देख लेते हैं, इसके बाद 7वां करके मैं ना फिर दूसरे पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है ना। चलो बच्चा पार्टी देखो, ये मुझे लगा कि छठे का ये 7वां सवाल है, धर्मेंद्र बिश्नोई का सवाल करा रहा हूँ, और ये मुझे थोड़ा टफ लगा तो मैं इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात करना है कि क्या ये QX जो है वो PX का गुणनखंड है, और अगर गुणनखंड है तो सेसफल जीरो आना चाहिए, अगर सेसफल जीरो नहीं आएगा तो ये गुणनखंड नहीं होगा, ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये x प्लस 1/3 है, तो x प्लस 1/3 बराबर जीरो हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर -1/3 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वन बाई थ्री अगर इस पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, अगर एक गुणनखंड जो है अगर ये होगा तो शेषफल जो आएगा, जो शेषफल आएगा वो शून्य होना चाहिए या शून्य होगा, सिंपल सी जो है यहाँ पे बात है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे रखेंगे माइनस वन बाई थ्री, पी माइनस वन बाई थ्री और बराबर इसी बहुपद में x की जगह पे रखना है। देखो तो ये है सिक्स एक्स क्यूब, तो सिक्स इंटू एक्स की जगह पे क्या है माइनस वन बाई थ्री का, माइनस वन बाई थ्री का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब ये देखो थ्री एक्स स्क्वायर है तो थ्री और x की जगह पे माइनस वन बाई थ्री का स्क्वायर, प्लस टू और इंटू एक्स की जगह पे हमें रखना है माइनस वन बाई थ्री और ये हो गया हमारा प्लस फोर, ठीक है। अब देखो छः इंटू, अब माइनस वन बाई थ्री है, तीन है तो माइनस आएगा, सीधा सा बात है, मैंने बहुत बार बता दिया है, एक एक का क्यूब करोगे तो एक होगा, तीन का क्यूब करोगे तो ये सत्ताईस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तीन और गुणे। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, सम है तो ये पॉजिटिव में आएगा, वन और तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा नौ, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे देखो दो का अगर मतलब ये प्लस है और माइनस, इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का दो बटा तीन और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे चार हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये कट जाएगा तीन दुना छः और तीन नमा सत्ताईस, तीन करने तीन और तीन त्रिका नौ। यहाँ पे देखो दो का अगर एक में गुणा करेंगे, माइनस भी है ध्यान में रखना है, माइनस दो बटा ये नौ हो गया, और यहाँ पे प्लस एक का एक में गुणा करो तो एक, एक बटा तीन और माइनस यहाँ पे दो बटा तीन और प्लस चार है तो इसके नीचे एक मान लेते हैं, ठीक है ना। नौ तीन तीन और एक का एलसीएम जो होगा, जो एलसीएम होगा मैं यहाँ पे आगे कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे कर दे रहा हूँ, तीन नौ तीन तो यहाँ पे हो जाएगा नौ, एलसीएम मैंने लिया। अब देखो नौ इकन्ने नौ तो ये माइनस दो हो जाएगा, ठीक है। और प्लस अब यहाँ पे तीन से ये तीन बार में जाएगा और तीन का ऊपर एक में गुणा होगा तो ये तीन हो जाएगा, माइनस तीन तरीका नौ, फिर तीन ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, तीन दुना का छः हो जाएगा, एक से नौ बार में जाएगा, नौ का चार में गुणा हो जाएगा तो ये प्लस का छत्तीस हो जाएगा, सिंपल है। चलो अब देखो ये प्लस का छत्तीस और ये प्लस का तीन मिलकर कितना हो जाएगा उनतालीस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस दो और माइनस छः, माइनस दो और माइनस छः मिलकर कितना हो जाएगा आठ, ठीक है ना, माइनस का आठ होगा, माइनस दो और माइनस छः माइनस आठ हो गया और प्लस प्लस का जुड़ के उनतालीस हो गया, ये नौ हो गया। उनतालीस में से अगर आठ जाएगा तो इकतीस बटा नौ आएगा, ये हमारा शेषफल आया इकतीस बटा नौ, मतलब कि ये जो है ये जीरो नहीं आया, और अगर जीरो नहीं आया है तो इसका मतलब सिंपल है कि x प्लस वन बाई थ्री जो है वो पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। और क्यों नहीं है इसके पीछे मुझे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि अगर गुणनखंड होगा तो वैल्यू रखने पे जीरो आएगी, और गुणनखंड नहीं होगा तो वैल्यू रखने पे जीरो नहीं आएगी। और ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और अगले पार्ट में जो है अगला वीडियो मैं बनाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप बच्चों में शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने क्लासमेट्स को शेयर करिए, और सबको शेयर करके और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक भी कर दीजिए साथ में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।